मैं थोड़ा इंटरव्यू लेना चाहता है आप लोग से, आप लोग से इंटरव्यू लेना चाहता है। नागरिक सुरक्षा मंत्र और मिजो कन्वेंशन ने जिस प्रकार आप लोगों को अगेंस्ट में बोल रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, वो लोग इनडिफिनिट स्ट्राइक करते हैं, जब चाहे रोड ब्लॉक करते हैं, जब चाहे बैन करते हैं, जब चाहे ऐसा करते हैं, लेकिन आप लोग क्यों चुपचाप थे इतने दिन? आप लोग चुपचाप रहने के बावजूद भी आप लोग ऐसे ही चुपचाप रहने के लिए ऐसे ही बैठे थे, इसीलिए हमारा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। हम लोग मजदूरी का काम, डेली लेबर काम करना है, आज कल पेट भरना है तो आज कमाना पड़ता है सर। हम लोग अगर आज काम नहीं करेंगे, रोड ब्लॉक करते रहेंगे, उधर में बंद करके रहेंगे, तो फिर हमारा पेट कैसे भरेंगे? आप लोग जानते हैं आप सरकारी नौकरी वाला है, इसलिए आपके पास डेली महीने में तनख्वाह मिलता है, इसलिए आप चुपचाप थे। लेकिन आपके जगह पर अगर मेरा जगह पर आप होता तो आप चुपचाप रहेंगे सर? हम रिक्शा चलाने वाला, प्लीज हम रिक्शा चलाने वाला है सर, और डेली बिजनेस करते हैं सर, 10 रुपये दिन में कमाते हैं और शाम को 5 रुपया कमाते हैं सर, प्लीज स्विच ऑफ, और दोपहर में 10 रुपया कमाते हैं, ऐसे ही हर चावल का अभी देखिए 30 रुपया होता है 1 किलो में सर, और ऐसे भी परिवार चलाना है तो डेली मजदूरी में कम से कम एक दिन का 250 मिलता है सर हम लोग, वही से हम लोग अपना परिवार को देखते हैं। इसलिए लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया उन लोगों के ऊपर, अरेस्ट कर देना चाहिए, त्रिपुरा इज अ पीसफुल स्टेट सर, वी नो दैट ऑलरेडी, बट देन स्टिल नागरिक सुरक्षा मंचों का लीडर और मिजो कन्वेंशन का लीडर ने दोनों त्रिपुरा कंचनपुर सब डिविजन को हिला करके इतना गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी इतना गुमराह कर रहे हैं सर, वो सब क्यों हो रहा है? अगर वो ब्लू IDPS को रिसेटलमेंट से अगर इतना नफरत है तो हमारा आनंदो का 2 बच्चा शिलोंग में पार्क आया सनल में क्यों मारा सर? उसी से हम पता चलता है सिर्फ IDPS को अगेंस्ट नहीं है, वो सारा कंचनपुर सब डिवीजन का जितना भी ट्राइबल है उसके ऊपर खिलाफ है सर। हम जानते हैं सुबह 10 बजे से पहले हमारा यहाँ तुसमा का उधर में जो मुर्गियां खरीद करके डेली वो मुर्गी काट करके बिक्री करते हैं सर, उसका मुर्गी को भी मार दिया और साइकिल को भी गिरा दिया, ऐसा ही करके रखा है। नहीं, देर आर सो दैट इज योर व्यू पॉइंट, ठीक है, देर आर सो मेनी अदर व्यू पॉइंट भी है, हम लोग बताने से भी अब लोग विल नॉट बिलीव, तो इसलिए एट दिस मोमेंट व्हाट वी वांट सॉल्यूशन, सम पीस, ठीक है, एग्जैक्ट यू आर कॉन्फ्रॉन्टिंग ईच अदर, कभी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, जो स्ट्राइक हो रहा है तो दे आर टेकिंग केयर, देर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ, जो अब जो बता रहे दे आर नॉट डूइंग, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टिल नाउ वी आर जस्ट, अभी तो कुछ तो नहीं हुआ ना, अटैक तो नहीं हुआ आप लोग का, अटैक तो नहीं हुआ लेकिन पब्लिक सफर हो रहा है, पब्लिक सफर मींस वी आर ऑल सफरिंग, उन लोग का भी सफर हो रहा है, आप लोग का भी, आपका सब सफर नहीं हो रहा है क्योंकि आप गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट में सरकारी जितना भी ब्लॉक करो सर, आप तो सैलरी तो मिलता है, जरूर मिलेगा ना, मिलता ही सर, फॉर बाइंग ग्रोसरी, हम लोग का तो प्रॉब्लम है ना, आई एम गेटिंग सैलरी दैट इज टू टुमारो यू मे बी आल्सो इन दैट, कहते हैं सर उधर में यू मे बी वर्किंग फॉर देयर आर सो मेनी एम्प्लॉई इन दिस एरिया, आई अंडरस्टैंड, बट इज इट सो नाउ यू शुड आल्सो कन्विंस देम नो नॉट टू ब्लॉक लाइक दिस, यू नो, टू डू स्ट्राइक एंड ऑल, इट इज अंडर process, it is going on, all the things though I cannot share in it has been forum. two days that normal public are suffering because of them, no, we can let you go inside, no problem, we don't have any problem, no, till now, see, but letting, the thing is they whether they will stop the strike or not, that one can that, you assure that is not me to assure them, but the process is going on, things are coming into place, it is not that we administration is sitting quietly, you have to know that, okay, and just by confronting each other solution will come.